हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स की जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आज हम बात करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने पर, कि किसी परमाणु में कितना न्यूट्रॉन होता है और कितना प्रोटॉन होता है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो गाइस, बात सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक। जैसा कि आप हर बोर्ड पर देखते हैं, परमाणु क्रमांक की परिभाषा लगती है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या धनावेशों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु को, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही कहलाती है परमाणु क्रमांक। बात केवल की है, लिखा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या धनावेशों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक है। कथन कि जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है अर्थात जिसे हम बोलते हैं जेड, वो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या जिसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो परमाणु क्रमांक अगर 4 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। क्योंकि कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु में सपोज करिए परमाणु है आपका, इस परमाणु का जो नाभिक है आपका, इस नाभिक में जो भी है, जितने भी प्रोटॉन है, सपोज जेड जो परमाणु है आपका क्या है, एटम। जो जो परमाणु है इसका जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर सपोज जेड 11 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक अर्थात जेड क्या होगा। माना मैंने कि किसी तत्व जी आपका एक कोई परमाणु, इसके नाभिक में 14 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 14। क्योंकि मैंने परिभाषा में कहा है कि किसी तत्व का कोई भी एलिमेंट का होगा आपका, आप जब भी जानते हैं सिलिकॉन का होगा या आपका सोडियम का होगा, तो उसको कहता है कि किसी भी तत्व का, तो कोई भी तत्व उसमें जो प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो इस जी जो एलिमेंट का किसी एनी एलिमेंट का एटम है, इस एनी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है तो हम कह सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक भी 14 है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि किसी तत्व के, कोई भी तत्व, उस तत्व के जो परमाणु होगा उसके नाभिक में यदि 4 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक 4, 6 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक 6, 7 प्रोटॉन है परमाणु क्रमांक 7। तो कोई भी प्रोटॉन हो, कोई भी हो, तो हमने आपको बताया, माना मैंने कि ये भी आपके पास कोई एक परमाणु है और इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 25 है, तो हम कहेंगे कि इसमें या इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो हम कहेंगे 25। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना आपका प्रोटॉन होगा। इस बात का ध्यान, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या धनावेश की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता था। इसको हम जेड लिखते सबसे पहले रिप्रेजेंट किया आपको। ठीक, अब बात है आपकी परमाणु क्रमांक के लिए। अब दूसरी बात यहां हम करेंगे द्रव्यमान संख्या पर। किस पर बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या जिसको हम लिखते हैं इस कैपिटल ए से। तो द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, तो द्रव्यमान संख्या को ऐसा समझ लीजिए,
द्रव्यमान संख्या जो होती है अर्थात E इक्वल टू होता है P प्लस M। क्या होता है? E इक्वल टू होता है P प्लस M, अर्थात P क्या है? P है प्रोटॉनों की संख्या। P क्या है आपका? प्रोटॉनों की संख्या। N क्या है आपके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप समझ जाइए। और ये आपको पहले ही बताया है, ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो आप देखिए लिखा क्या है, ए इक्वल टू पी प्लस एम, अर्थात जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। क्या है वो? योग, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या एक कहलाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एटॉमिक मास, नंबर मास कह सकते हैं। अगर परमाणु भार भी होता तब भी हम इसको कह सकते हैं। तो आपने समझा कि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब आपको भार क्या लेना है, प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुआ, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो योगफल होता है। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉनों की संख्या। न्यूक्लियॉनों की संख्या, इस बात को ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या कहलाती क्या है? न्यूक्लियॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक, न्यूक्लियॉनों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है आपका द्रव्यमान। ठीक, तो आपने इतनी बार जाने कि परमाणु क्रमांक क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। आपको दो जी परिभाषाएं समझाना मेरे लिए अनिवार्य था। ठीक, मैं एक बार पुनः बात कर दूं। मैं कहता हूँ कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि कोई भी किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। दूसरी बात, अगर मैंने कहा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होगा वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मैंने कहा किसी तत्व कोई आपके लिए परमाणु है, इस परमाणु के जो नाभिक है इस नाभिक में 20 प्रोटॉन है, परमाणु है इस नाभिक, इस परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है? 20। तो उसने कहा कि जेड बताइए अर्थात परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो आपको पता है जेड इक्वल टू पी, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, यही चीज हम बात करेंगे अभी। आप एक दो की परिभाषा को लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना विद एग्जांपल के अच्छे से। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कैसे ज्ञात की, सबसे पहले यहाँ समझना क्या आप समझेंगे। ये मानिए आपका ये कोई एक एक्स है। क्या है आपका? कोई एक एक्स, कोई एक एलिमेंट है एक्स आपका, कोई एक तत्व है जिसके यहाँ से नीचे साइड जो होता है कुछ भी हो या ऊपर कुछ हो, नीचे जो कुछ होता है उसे हमेशा हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अभी आपको बताया भी मैंने उसे क्या कहते हैं हमेशा हम परमाणु क्रमांक। ठीक, और ये जो होता है हमारा अभी हमने आपको बताया इसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, अब जो द्रव्यमान संख्या है इसी को हम कभी कभार कह देते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, एटॉमिक वेट। जिस प्रकार परमाणु, क्योंकि द्रव्यमान संख्या लगभग बराबर होती है परमाणु भार के। ठीक, इसकी बात है। दूसरी बात, आप जब कैसे आज से आपका जैविक सोडियम दिया और यहाँ लिख दिया उसमें 11 और यहाँ लिख दिया 23। ठीक, और कहा कि ये बताइए क्या है, तो आप क्या करेंगे? इसको कहेंगे परमाणु क्रमांक।
इसको अलग से कौन लगाएंगे आपका क्रम ऐसे पहचानेंगे। जैसे आपका यह कैल्शियम 20 40 ऑप्शन सोचा ये क्या है तो आप तुरंत देख के समझ जाएंगे ये जेड कैरेक्टर आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपका ये आपसे कहा सल्फर 16 32 तो आप तुरंत देखेंगे अरे ये तो आपका जेड है अरे ये तो आपका ई है तुरंत पहचान जाएंगे। आपका कहा है 2 HE4 तो आप देखेंगे 2 नीचे है इसका मतलब है जेड है ठीक और आप तुरंत समझ जाएंगे 4 का मतलब है आपका ये क्या है मतलब जेड आपका क्या होगा ब्रह्मान संख्या और जेड जेड आपका क्या होगा परमाणु क्रमांक और ये आपका क्या होगा ब्रह्मान संख्या। इस बात पर आप ध्यान देना कि ये क्या है ब्रह्मान संख्या और जेड क्या आपका परमाणु क्रमांक। तो इसी के संबंध में हम इन्हीं से सबसे पहले बात यही होगी कि आप पहचाने का जेड कहाँ दिया है ये आपका कहाँ दिया गया है ठीक है। तो आपने जाना कि जो नीचे होगा वो जेड होगा तो जेड बोले तो परमाणु क्रमांक ऊपर जो होगा वो होगा द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक। हम इनको इरेज करते हैं तो समझते हैं यहाँ पर केवल आपको एक फॉर्मूला रखना है वो होता है ई इक्वल टू ई प्लस एन जो अभी आपने द्रव्यमान संख्या की परिभाषा थोड़ी देर पहले समझी कि मतलब प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग अर्थात इन दोनों का योग प्रोटॉन गुण तो पी न्यूटन गुण तो एन इन दोनों का योग होगा वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या इन दोनों का योग होगा ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है अब बात करें जैसे कि हम क्वेश्चन निकाले हैं तो एक क्वेश्चन आप ध्यान दें जैसे उन्होंने कहा अभी दिया था मैंने सोडियम 11 और 23 दूसरा उन्होंने कहा दूसरा चलो जरा देखता हूँ दूसरा उन्होंने कहा सल्फर 16 32 ठीक क्वेश्चन भी यही वाला और उन्होंने कहा कि इसमें कहा कहने का है इसमें उन्होंने कहा प्रोटोनों की संख्या बताइए और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए इसमें भी उन्होंने कहा प्रोटोनों की संख्या बताइए और न्यूट्रॉनों की संख्या तो कैसे ज्ञात करते हैं हमने सोचा था एक बराबर टू प्लस एन अब हम जानेंगे कि यहाँ दिया क्या गया है इसको जानना है क्या क्या दिया गया है तो हम हल करेंगे ठीक सबसे पहले देखिए सोडियम के नीचे क्या लिखा है 11 और जो नीचे लिखा होता है उसको मान लीजिए जेड अर्थात 11 जेड अर्थात परमाणु क्रमांक है जो ऊपर दिया उसको क्या मानते हैं ए अर्थात ये कितना है 33। अब जो जेड होता है वही आपका पी होता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी आपका क्या होता है जो आपका जेड होता है वही आपका क्या होता है पी क्योंकि जितना आपका प्रोटॉन होता है वह परमाणु क्रमांक होता है या जितना परमाणु क्रमांक होता है वह आपका प्रोटॉन होता है तो आपका क्या होगा यहाँ पर देखेंगे जेड पर 11 तो हम मानेंगे पी इक्वल टू 11 क्यों मानेंगे क्योंकि ज्यादा देख ना सकते जेड इक्वल टू पी ऐसा देख सकते हैं जितना जेड हो उतनी पी हो जाएगा आप सूत्र लगा दीजिए आप क्या लगाएंगे आपका सूत्र होता है ए बराबर पी प्लस एन तो देखो ए कितना 23 पी कितना 11 एन कितना है आप उनको हटा लीजिए क्या हो जाएगा तो प्रोटॉन कितना है प्रोटॉन आपका 11 और न्यूट्रॉन आपका कंप्लीट दैट इज आप यहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम है तो आप यहां बात कर लीजिए कैसे याद करेंगे यहां से याद करेंगे देखो नीचे का दिया 16 अर्थात पी बो जो नीचे दिया हो गया था जेड कहलाता है कितना नीचे अगर जेड 16 है तो पी भी आपका कितना हो जाएगा क्यों क्योंकि आपको पता है पी इक्वल टू जेड या जेड इक्वल टू पी होते ही है क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा वो इसका परमाणु क्रमांक है ठीक है हो गया। अब ऊपर जो दिया जाता है उसको बोलते हैं हम ए अर्थात द्रव्यमान संख्या और लंबा रख दीजिए बराबर पी प्लस तो ए कितना है 32 प्रोटॉन कितना 16 प्लस एन न्यूट्रॉन कितना एन तो न्यूट्रॉन का 16 आ जाएगा कंप्लीट। तो ये आपका दो इस टाइप का भी आपसे न्यूमेरिकल कर सकता है जो मैंने आपको क्लियर किया। अब हम बात करते हैं इस सवाल पर फिर आप देखेंगे देखिए यहाँ क्या लिखा है ध्यान से सुनना एक परमाणु के नाभिक कोई परमाणु होगा उस परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है यहाँ समझने का प्रयत्न करना उन्होंने कहा कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है तो नाभिक में न्यूट्रॉन कितना न्यूट्रॉन बोले तो है कितना है आपका 12 नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है अर्थात न्यूट्रॉन कितना है 12 फिर कहता है उनकी द्रव्यमान संख्या सभी द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या के रूप से द्रव्यमान संख्या को किस लिखते हैं ए से द्रव्यमान संख्या ए से
द्रव्यमान संख्या अर्थात ई वह परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी चाहिए, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करना है बताइए। अर्थात ये भी क्वेश्चन मार्क और एक क्वेश्चन, इतनी बात आपको समझ में। लेकिन आगे क्या किया, जबकि प्रोटॉन 11 कितने हो, 11 प्रोटॉन कितना हो गया, अर्थात प्रोटॉन दिया उन्होंने 11, बस हो गया सब। क्या ए निकालना है, क्या चाहते हैं, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एच, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एच, बस ए कितना है निकालना है, प्रोटॉन कितना है 11, न्यूट्रॉन कितना है 12, तो आकर ये 3 × 2 × 23 सोडियम क्या है 23 किसका होता है भार, सोडियम का, प्रोटॉन कितना हो किसका होता है 11 सोडियम का, ठीक है। तो प्रोटॉन 11 है, इससे पता चलता है कि ये क्या है आपका सोडियम है, जो अभी आपको इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी 11, अर्थात कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी आपकी 11। द्रव्यमान संख्या लिख लिया सर, परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या लिख लिया, बताइए तक ज्ञात करना फाइंड, क्वेश्चन मार्क कब ली, जबकि 11 प्रोटॉन है तो भाई सर 11 प्रोटॉन है, और जिसका प्रोटॉन 11 होता है वह सोडियम एटम होता है, कौन सा होता है सोडियम, बस ए बराबर 3% हल कर दिए, और कुल इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब प्रोटॉन संख्या बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं Z=V=E कह सकते हैं, मतलब कि प्रोटॉन जितना होगा परमाणु होगा, बस इतना सा है, आप दिमाग लगाइए अपना का, सोचिए समझिए बचा दीजिए यहाँ से, अब इसको हल कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगता हूँ इसको जरूर नोट कीजिए। देखिए सर आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ आपके लिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। देखिए लिखा क्या है, लिखा है कोई एक तत्व मतलब कोई भी एलिमेंट होगा उसका परमाणु क्रमांक 19 व द्रव्यमान संख्या 39, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो ज्ञात क्या करना है सर जी, न्यूट्रॉन की संख्या अर्थात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्वेश्चन कब क्या कहा परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक कितना है 19, परमाणु क्रमांक कैसे लिखते हैं जैसे कितना है, फिर कहता है द्रव्यमान संख्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी जाती 39, द्रव्यमान संख्या लिखते कैसे हैं ए से, बस आई बात करते हैं, फिर कहता है न्यूट्रॉन की संख्या, क्वेश्चन मार्क है, ये सबसे सिंपल सूत्र लगाइए ए बराबर पी प्लस एम, केवल आपको जो कुछ भी दिया हो आप सबसे पहले रखिए उसको, फिर केवल एक ही फॉर्मूला आपको रखना है ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, रखने के बाद आप देखिए ए दिया है 39, पी नहीं दिया आपके पास, तो आपको पता है जितना आपका जेड होता है उतना ही आपका पी होता है, तो जेड कितना है आपका पास 19, तो पी भी कितना होगा 20, हमें क्या रख दीजिए 90, एन न्यूट्रॉन मिलता है निकालना है, बस हटा दिए एन इक्वल टू 39 माइनस 90 इक्वल टू क्या होगा 0 और 20, बस तब तक क्या न्यूट्रॉन की संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत है आपको, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो कहने का मतलब है अब एक बात बताइए, अच्छा प्रोटॉन की संख्या कितनी है 90, तो बताया चाहिए तत्व कौन सा होगा, परमाणु क्रमांक आपका कितना 19, तत्व किसका कौन सा होता है, तत्व क्या होगा आपका पोटेशियम होगा, कौन सा होगा पोटेशियम, क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक 19 है वह तत्व कौन सा पोटेशियम, कब यहाँ बात
क्वेश्चन है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। वो कहते हैं यदि इस परमाणु का परमाणु भार V से तो हमको जो बनता है वो लिख क्या कहा हमने परमाणु भार। हमने आपको पहले भी कहा था कि चाहे परमाणु भार कहें चाहे द्रव्यमान संख्या कहें दोनों एक ही चीज होगी। तो आपका देखा परमाणु भार V से तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे परमाणु भार। आपका परमाणु भार हो या आपकी द्रव्यमान संख्या हो दोनों क्या होंगी एक ही चीज मानेंगे। ठीक है अर्थात परमाणु भार आपका 20 है इसका मतलब है ये आपका कितना दिया है 20। ठीक कितना का है न्यूट्रॉन अर्थात एम क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ आ गई तो अब देखिए सूत्र क्या रखता है ए बराबर पी प्लस एम। लेकिन सर ए भी है एम निकालना है लेकिन पी नहीं है तो पी को कैसे करेंगे आप देख लीजिएगा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ लिख देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लीजिए 1s2 क्या दिया है 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको अच्छे से सीखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक वीडियो डली है आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं बन जाएगा। लेकिन मैं आपको न्यू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का बता रहा हूँ। तो देखो अब क्या करेंगे हम जो कुछ भी एस अक्षर एस इसके साथ इसके पास जितना भी ऊपर लिखा है सबको जोड़ लीजिए क्योंकि यही तो कह रहा था परमाणु का भार। तो आप जोड़ ला 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 2, 20 अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल कितना आ गया तो जो इसकी ऊपर संख्या होगी वही आपका प्रोटॉन जो इनको सबसे पहले आप जोड़ लेंगे जो होगा वही आपका प्रोटॉन कहलाएगा क्योंकि आप प्रोटॉन 20 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यही तो आना है तीन प्रोटॉन विन्यास। आप बस छोटा कर देंगे वहां क्या करें ए दिया है आपका 20 परमाणु भार 20 चलो ठीक है परमाणु भार 20 यहाँ परमाणु भार 20 का हो गया आप 40 लीजिए। ठीक है जिससे वाला चेक भी हो गया तो 40 से रखा और बराबर प्रोटॉन लिखता है 20 और प्लस एन लिखता है एन बराबर कितना 40 और -20=20 मेरा कहना चाह रहा है कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी आपको दे तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको जोड़ देना है और जोड़ के आप हल कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फंडा भी समझ में आया होगा। यह वीडियो आप एंड तक देखिए समझिए प्रयास कीजिए। ठीक धन्यवाद।